द्वारा अहम जानकारी सामने आ रही, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस वार्ता कर 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। प्रदेश बीजेपी के 125 पदाधिकारी काला पानी जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 30 दिसंबर को बीजेपी नेता वहाँ देश के गीत गाएंगे और सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ झंडा फहराया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश बीजेपी के 125 पदाधिकारी काला पानी जाएंगे और 30 दिसंबर को बीजेपी नेता वहाँ देश के गीत गाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ झंडा फहराया था। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर, जहां पर प्रदेश बीजेपी के 125 पदाधिकारी काला पानी जाएंगे, वहीं 30 दिसंबर को बीजेपी नेता वहां देश के गीत गाएंगे। बड़ी जानकारी, सुभाष चंद्र बोस ने वहां झंडा भी फहराया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा और प्रदेश बीजेपी के 125 पदाधिकारी काला पानी जाएंगे। तो 23 जनवरी को नेताजी की जयंती हर गांव में मनाया जाएगा, हर गांव में गाए जाएंगे आजादी के गीत। तो 23 मार्च को बीजेपी मनाएगी शहीदी दिवस। बड़ी जानकारी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का बलिदान दिवस मनाएंगे। उस दिन हमारी टीम जलियांवाला बाग जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 23 जनवरी को नेताजी की जयंती हर गांव में मनाएंगे, हर गांव में गाए जाएंगे आजादी के गीत। वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में मैं साथ इतना ही।